नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको दिल्ली पुलिस EWO TPO के एग्जाम शीट इंटीमेशन आ चुके हैं, एडमिट कार्ड स्टेटस आ चुके हैं और एडमिट कार्ड आप लोग कब से डाउनलोड कर पाओगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए जिससे कि आप लोग कंप्लीट डिटेल में समझ पाएंगे, जिससे कि आपको EWO TPO का एडमिट कार्ड स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे डाउनलोड करना होगा। फिलहाल मैं बात करने वाला हूं आपके NR रीजन के बारे में, यानी कि उत्तराखंड स्टेट और दिल्ली और आपका हो गया राजस्थान। ठीक है, अगर आप तीन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और साथ ही आपने यहाँ पे एग्जाम सेंटर डाला है तो ठीक है, लेकिन अगर आप अदर से बिलोंग करते हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को कंप्लीट देखिए जिससे कि आप लोग समझ पाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पे आपको सभी रीजन के लिंक मिल जाएंगे, चाहे ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से बिलोंग करते हैं, जहाँ से आपने फर्स्ट एग्जाम सेंटर डाला हो उसी रीजन में आप लोग अपना जाइएगा, चेक करिएगा, क्लिक करके डिटेल आप लोग अपना फिल करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ आपका NR रीजन के बारे में। देखिए NR रीजन में कौन कौन सा स्टेट आता है, एक तो आपका मैंने यानी कि थंबनेल पे भी लगा दिया था, एक तो उत्तराखंड हो गया, दिल्ली हो गया और साथ ही आपका कौन सा हो गया, राजस्थान हो गया। ठीक है, तो मैं NR रीजन के बारे में बात करता हूँ। तो सिंपली मैं NR रीजन का लिंक आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, मैं इसी पे क्लिक करता हूं। ठीक है, आप जिससे बिलोंग करते हैं उस पे क्लिक कर दीजिएगा, आराम से डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, मैं NR रीजन का दिखाने वाला हूं आपको। NR रीजन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा उसके बाद देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप सभी के सामने खुल के आ जाएगा, जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हैं। देखिए पहले वाला कॉलम में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, फादर्स नेम डालेंगे जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किया था, उसके बाद अपना DOB डालेंगे और सर्च स्टेटस पे क्लिक करने के बाद आप लोग अपना चेक कर पाएंगे। ठीक है, नीचे आना होगा, अगर आप मान लो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो सिंपली आपको अपना नाम डालना है जो आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम डाला था, उसके बाद पिताजी का नाम डालना है, फादर्स नेम डालना है, उसके बाद अपना DOB जो भी है वो इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और आपको सर्च स्टेटस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, मैं कैंडिडेट की डिटेल्स को डाल लेता हूँ, देन आप सभी के सामने आता हूँ। ठीक है ना दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे मैंने कैंडिडेट की डिटेल्स को डाल लिया, हालांकि ब्लर कर दिया प्राइवेसी की वजह से। उसके बाद आपको सिंपली यहां पर सर्च स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे आप लोग सर्च स्टेटस पे क्लिक करोगे, जैसे कि मैं यहां पर सर्च स्टेटस पे क्लिक कर देता हूं, ठीक है, जैसे आप मैंने सर्च स्टेटस पे क्लिक किया उसके बाद इस तरीके का इंटरफेस आप सभी के सामने आ जाएगा, जो कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इनकी कंप्लीट डिटेल आपकी दे रखी है, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ऊपर आपका सब कुछ दे रखा होता है, मैं उस बात से कोई मतलब नहीं है। फिलहाल मैं आपको चेक करने वाला हूं कैसे आपको बताया, ठीक है, कैसे चेकआउट करना है। इनका एग्जाम आप लोग देख सकते हैं 28 अक्टूबर को है, दिन फ्राइडे पड़ेगा। इनका एग्जाम सेंटर हल्द्वानी में है, शिफ्ट इनकी सेकेंड रहने वाली है, रिपोर्टिंग टाइम इनका 11 AM है, आप लोग यहां पे देख सकते हैं। उसके बाद देखिए इनका जो एग्जाम का टाइमिंग है वो इनका देखिए 12:30 से लेके 2 बजे तक इनका एग्जामिनेशन होने वाला है। फॉर्म स्टेटस एक्सेप्टेड दिखा रहा है जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका दे रखा है कि कंप्लीट एडमिट कार्ड जो आपको आप लोग डाउनलोड कर पाओगे एग्जाम डेट से 4 डेज पहले आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये क्या है आपका एग्जाम सिटी इंटीमेशन है, जिसमें आपको एग्जाम की डेट पता चल गई, एग्जाम का सिटी पता चल गया, लेकिन कंप्लीट जो आपका एडमिट कार्ड का जो स्टेटस यानी कि कंप्लीट एडमिट कार्ड की जो डिटेल दे रखी होती है सेंटर वगैरह की, तो वो आपको कब चेक कर पाओगे, मान लो एग्जाम सेंटर से आपको 4 दिन पहले, किसी का 24 तारीख को है यानी कि 28 को है तो वो 24 को डाउनलोड कर पाएगा, और मान लो किसी का 23 को है तो वो 28 को है तो वो 23 को डाउनलोड कर पाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। चेक करने का तरीका था वो सेम यही है, इसी तरीके से आप लोग चेक कर सकते हैं। सभी रीजन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जाके क्लिक करो, डिटेल फिल करो, आराम से आप लोग अपना डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, मान लो फिर भी आप लोग डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ पर आप लोग यानी कि या फिर आप लोग मेरी ID सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पे जाके PrinceGautam347, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पे आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म का सेंड यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म का फोटो लेके सेंड कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है भाई, जिससे कि मैं आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दे पाऊँ आप सभी को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिलेगा और आप लोग ID सर्च करेंगे PrinceGautam347 तब भी आपको मिल जाएगा, तो जाके सेंड कर दीजिएगा अगर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो। बाकी मैंने बेसिक से आपको सब कुछ बता दिया है, मेरे हिसाब से आपके सबको समझ में आ गया होगा। सब कुछ समझ में आ गया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना सभी दोस्तों में और कमेंट करके जो बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको सच में वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ आपको तुरंत अपडेट मिले। चलिए दोस्तों, बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।